मैं वारी पसीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सांता क्रूज के वाकोला पुलिस स्टेशन के बाहर। यहाँ पर एक मामला हमारे सामने आया है कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में दो लड़के थे, अपनी बाइक पे जा रहे थे वर्सावा दरगाह पे सलामी देने के लिए। तो यहाँ पर वाकोला या सांता क्रूज के बीच में नाकाबंदी लगी थी, जिसे देखकर वो डर गए और बाइक घुमाने लगे। इतने में ही कुछ कांस्टेबल ने आके उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि वो जो इमरान नाम का लड़का है वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, इमरान के अब्बा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था मामला? सर, ये लोग घूमने गए थे, घूमने जुलूस से लोग वर्सावा दरगाह भेजा रहे थे। तब पुलिस ने, यहाँ पे कुछ लोग ने बोले कि आगे से बाइक वाले आ रहे थे, तो बोले कि भाई वो आगे नाकाबंदी लगी थी, मार रहे हैं। तो बच्चा भी मेरे डर के मारा, गाड़ी घुमा लिया तो खड़ा कर रहा था साइड में, तो पीछे से आके सिविल ड्रेस में मारे मेरे को। इतने ही बच्चे ने बताया, अभी साहब लोग अभी लेके जा रहे हैं, अभी कैम्प, मेरा बच्चा अभी कैम्प में है। अभी मुझे कुछ पता नहीं है अभी क्या है क्या नहीं। अभी इमरान की हालत कैसी है? हालत बहुत ख़राब है अभी फिलहाल, उसकी पूरा घर हमारा मातम में छाया है। डेढ़ महीने के बाद में मेरे बच्चे की शादी है, पूरा घर मेरा मातम में। हम लोग को ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं मालूम हम लोग को। अभी मेरे बच्चे का बस, आप लोग जितने भी सुन रहे देख रहे दुआ करो। डॉक्टर ने क्या बोला इमरान के लिए? डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करेगा, ये कोमा में भी जा सकता है, ये पागल भी हो सकता है, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। अब अल्लाह जाने, अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह का रसूल जानता है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? बस मैं इंसाफ मांगना चाहूँगा। सीनियर साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, सीनियर साहब बोल रहे हैं कि जो भी रहेंगे हम उनको साथ में लेके आएंगे, फोटोज निकालेंगे, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे को बोले हमारे की जो भी हेल्प करेंगे, मेरे को नंबर भी दिए सीनियर साहब ने, और बोल रहे हैं जो भी हम जरूरत पड़ेगी हमारे से हेल्प ले लो आप। तो लेकिन इतना दिन हुआ है अभी, तीन चार दिन हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई सर अभी तो, अभी बच्चा अभी भर्ती है अभी अस्पताल में, अभी ये लोग सब वो वेरीफाई कर रहे हैं, इधर से उधर वेरीफाई, जिधर बच्चा खड़ा था, जिधर मारे थे बच्चे को, उधर जा रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, सब छानबीन कर रहे हैं। अब आगे देखो अभी क्या होएगा, अभी अल्लाह जानता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बड़ा। तो ये थे वो पिता, इन्होंने ये बताया कि एक से डेढ़ महीने बाद इनकी बेटी की शादी भी है, और ऐसे में इनका बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। आपको बता दें, जब पॉलिटिशियन की रैलियां निकलती है तो एक बाइक पे तीन तीन चार चार लोग झंडे लहराते हुए जो निकलते हैं, ना उनके पास हेलमेट होता है, ना तीन तीन चार, तब पुलिस की नाकाबंदी ना लगती है, ना उन्हें रोका जाता है, ना टोका जाता है। लेकिन ऐसे में अगर ये एक समुदाय को बार बार टारगेट किया जाता है, कि जब ईद मिलादुन नबी का वक्त था, जब उन्हें पता है कि लोग निकलते हैं दरगाहों पर, जब आप पॉलिटिशियन को नहीं रोक सकते, उनकी रैलियों को नहीं रोक सकते, तो एक त्यौहार में नाकाबंदी लगा कि अगर आपको पूरा अधिकार है कि अगर कोई बिना पेपर बिना हेलमेट के आप फाइन मार सकते हो, लेकिन आपने मारना किसी भी पुलिस को अधिकार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मारा गया। पॉलिटिशियन वालों को नहीं रोका जाता, लेकिन एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए सवाल बनता है। अब देखना यह है कि इमरान के केस में आला अधिकारी क्या करते हैं, क्या उन जिन्होंने उसे मारा है उनके उन पर कोई कार्रवाई होगी, और इमरान को क्या इंसाफ मिलेगा। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।